नो मैम, थोड़ा टाइम क्रिकेट खेला था जब मैं छोटा 9th-10th क्लास में होगा, मैं सोचता था मैं भी एक दिन एशियन गेम्स खेलूँगा। माई सेल्फ हरिंदर सिंह फ्रॉम हरियाणा, आई एम प्लेइंग हैंडबॉल लास्ट 16 ईयर्स। हरिंदर सिंह नैन विल बी रिप्रेजेंटिंग गर्वित गुजरात इन द इनॉग्रल सीजन ऑफ प्रीमियर हैंडबॉल लीग। But before he reached here, there's a tale behind his journey. From watching the Asian Games on TV to actually representing the nation on the big stage. मैम, स्टार्टिंग में हमारे वहाँ नर्सरी थी, जिस स्कूल में मैं जाता था वहाँ से टीचर थे हमारे, उन्होंने बोला था कि आप हैंडबॉल खेलो, आपकी हाइट अच्छी है, तो स्टार्ट किया था। मैं जहाँ से भी बेसिकली जहाँ से हूँ ना, वहाँ हैंडबॉल ही ज़्यादा चलता है। मेरे यहाँ से 16 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, गर्ल्स काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। स्ट्रगल तो मैम स्टार्टिंग जैसे हैंडबॉल खेलते थे तो फैमिली वाले स्टार्टिंग में वो मना करते थे कि हैंडबॉल मत खेलो, कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलो। तो बाद में जब कहीं अच्छा अचीव किया उसके बाद फैमिली भी सपोर्ट करना स्टार्ट की। मैम, जब मैं एशियन गेम्स में खेलने गया था, जब मुझे लगा था ये अच्छी अचीवमेंट है और अब मुझे हैंडबॉल में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एशियन गेम्स में खेलना मतलब बहुत प्राउड की बात फील हो रही थी, ऐसा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2010 की बात है मैम, जब एशियन गेम्स का लाइव मैच चल रहे थे, मैंने जब हैंडबॉल खेलना 3 ईयर हुए थे स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में जब मैंने देख रहा था मैं टीवी, जब मैं छोटा 9th-10th क्लास में होगा, मैं सोचता था मैं भी एक दिन एशियन गेम्स खेलूँगा। हाँ, जब मैं पहले हैंडबॉल खेलता था तो इतना मतलब लोगों को पता नहीं था। जब मैं एशियन गेम्स खेलने गया उसके बाद लोग थोड़े बहुत जानने लगे मेरे एरिया में, मेरे गाँव में, हर जगह, तो सबने अच्छा सपोर्ट किया। मैम, प्लेयर को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और नए प्लेयर निकल के आएंगे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी प्लेयर को, ग्राउंड वगैरह अच्छे मिलेंगे। जैसे अभी आउटडोर में खेलते थे वैसे गेम इंडोर है, फैसिलिटी नहीं थी, तो अब और ज़्यादा फैसिलिटी आएगी। अभी तक लोगों को पता नहीं था, जैसे हम जाते थे इधर उधर तो किसी को बताते थे हैंडबॉल खेलते हैं, कोई भी रास्ता मतलब ट्रेन में, बस में, कहीं भी कोई मिलता था या फैमिली वाला मिलता था तो उसको किसी को बताते थे, फ्रेंड होता था कोई जो स्पोर्ट्स से जुड़ा नहीं हुआ, उसको पता नहीं था हैंडबॉल कौन सा गेम है। तो अभी जैसे लीग होगी, मैच आएंगे, लोग देखेंगे, तो अभी सबको पता चल जाएगा हैंडबॉल कौन सा गेम है, क्या है सब।